एनालिसिस में रियल नंबर पढ़ रहे हैं और रियल नंबर को पढ़ते हुए आज हम लोग पहुंचते हैं डेंस सेट, परफेक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट एंड डेंसिटी थ्योरम। इससे बहुत सारा थ्योरम है लेकिन मेन थ्योरम को हम लेके चल रहे हैं वहाँ पर। और बहुत जो छोटा छोटा थ्योरम होते हैं, प्रॉपर्टीज होता है, उसको तो रूल होता है, तो टोटली आपका डिफिनेशन पर यह डिफाइन होता है। रियलाइज के जितने भी थ्योरम है ना, जैसे ओपन में पढ़ें, क्लोज में पढ़ें, जितना जो था यूनियन इंटरसेक्शन सब क्या डिफिनेशन लिखता है। मान लिया कि दो वो लेते हैं से और दोनों ओपन है, तो दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन क्या ओपन क्लोज जो भी होता है, जनरलाइज भी लेते हैं तो क्या हुआ ओपन और इंटरसेक्शन होता है। करना कुछ नहीं रहता है, केवल डिफिनेशन को ही शो करना पड़ता है पूरा को। मान लिया कि एफ है, चाहे कुछ भी मान लीजिए लेमडा, कुछ भी मान सकते हैं, मान करके शो कर सकते हैं कि वह क्या है ओपन है तो पूरा क्या ओपन होगा, क्लोज है तो पूरा क्या होगा क्लोज होगा। उस तरह से बहुत छोटा छोटा थ्योरम है जो आप कर सकते हैं डिफिनेशन पर, बशर्ते डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आज जो पढ़ाने जा रहा है डेंस सेट, परफेक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट, इसको जानने के लिए आपको पीछे वाला जो क्लोजर है, क्लोजर सेट एंड क्लोज सेट आप कुछ बताएंगे, आपका डिराइव सेट वह सब क्लियर रहेगा तो यह ऑटोमेटिक आपका लास्ट डिफिनेशन है रियल नंबर का जो क्लियर हो जाएगा आपका। आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर 16। जैसे देख लीजिए डेंस सेट, तो डेंस सेट होता क्या है, इसमें बोलता है कि कोई भी एक ऐसा सेट ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा सेट लीजिए जो पूरा के पूरा क्या बन जाए, वो पॉइंट उसका रियल नंबर के पॉइंट बन जाए, यानी पूरा पूरा पॉइंट क्या बन जाए रियल नंबर बन जाए, उसको बोलेंगे डेंस सेट। हम कोई भी एक सेट उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि वह डेंस सेट साबित करें, उसको कैसे मान लेते हैं कि ये सेट ए मानिए, एस मानिए, एस मानते आ रहे हैं, एस क्या कर रहा है कॉन्टेन कर रहा है किसका रियल नंबर का, यानी कि ये सेट ये जो है सबसेट किसका है रियल नंबर का, तो ये से जितना पॉइंट क्या हुआ टोटली आपका रियल नंबर होना चाहिए, अगर है तो डेंस सेट है। ईच सेट टू बी डेंस का इफ एवरी पॉइंट किसका ऑफ आर इच ए पॉइंट ऑफ एस कहता है कि जितना पॉइंट आर का होगा वही पॉइंट एस का होगा। इसका मीनिंग अगर चाहता है दूसरा तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दस द क्लोजर सेट, ये एक अपना पार्टिकुलर हो गया, क्लोज पर निर्भर करता है, ये द क्लोजर सेट, सेट जो है द क्लोजर ऑफ एस कर दीजिए, क्लोजर ऑफ कितना सेट एस क्या होगा डेंस कहलाएगा, कितना कब जब आर होगा, जैसे क्लोजर ऑफ एस इज क्या हो जाए आर हो जाए तब हम इसको बोल सकते हैं डेंस सेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लोजर पढ़ेंगे एस का क्या होता है, एस का क्लोजर हो गया कितना आर, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए एस का क्लोजर कितना आर हो तो समझ जाए क्या वह डेंस सेट है। पेटकरी हो गया थ्योरी कहता है कि ये सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी डेंस इफ एवरी पॉइंट ऑफ आर इज पॉइंट ऑफ एस, जो आर का पॉइंट वही पॉइंट कितना एस का होता है, इसलिए बोला गया कि क्लोजर ऑफ एस क्या बन जाए वो आर बन जाए। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एग्जाम्पल लेते हैं इधर सेट क्यू जो है किसका ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल ये क्या है डेंस या डेंस है किसमें इन इटसेल्फ, अपने आप में क्या है वह
देन से कलाइड बचाते हैं, पढ़ा हो गया कि रेशनल नंबर जो है वह क्लोज नहीं था, बट नोट क्लोज, तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो क्लोज नहीं है लेकिन डेंसिट क्लोज। अब क्लोजर में थोड़ा सा फर्क था आपका, है ना, जो बताया था उसमें। फिर एग्जाम्पल एक और ले करते हैं, अगर रेशनल और इरेशनल दोनों मिला दिया जाए तो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, तो भी क्या कहलाएगा, वो डेंस कहलाएगा। क्या लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ रेशनल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या कहलाएगा, ये दोनों मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो द सेट ऑफ रेशनल इरेशनल के जितना पॉइंट होगा वही पॉइंट क्या होगा, रियल नंबर का होगा, क्योंकि रियल नंबर का ही तो दोनों पार्ट है। तो कहता है कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या कहलाएगा, आर डेंस, इसमें सेट ऑफ रियल नंबर, जो सेट ऑफ रियल नंबर था वही क्या था, एक रेशनल था एक इरेशनल था, इसका जो भी पॉइंट था वो क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर पॉइंट हुआ, तो शुद्ध बोलेंगे डेंस बोल सकते हो। अब डेंस समझ गए आप लोग, तो अब देखिए परफेक्ट सेट, परफेक्ट सेट नाम से ही लग रहा है ना, जैसे नाम यह कहता है कि जितना ये जो क्या होगा टोटल जो होगा ड्राइव सेट का जस्ट लाइक आइडेंटिकल होता है ना, तो आइडेंटिकल क्या हुआ किसका, ड्राइव सेट का। तो ड्राइव सेट क्या था, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, पूरा पूरा क्या कहलाएगा, परफेक्ट सेट कहलाएगा, यानी कि सेट इज सेट टू बी परफेक्ट कब, इफ इट इज क्या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल विथ इट्स डिराइव्ड सेट, इसका जितना डिप्रेशन तो क्या रहा, निर्भर कर रहा है आपका इधर डिप्रेशन पर, डिराइव्ड सेट लगेगा। एंड एक कंडीशन इसमें और होता है क्या, कि अपने आप में क्या हो, डेंस होता है, एंड डेंस डेंस इन इटसेल्फ, इसका तो रियल नंबर का तो होगा ही, रियल नंबर तो क्या डेंस सेट था आपका, तो क्या बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर इज परफेक्ट सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज ए परफेक्ट सेट, और इसके साथ ही देखिए कंडीशन थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या था कि ड्राइव सेट नहीं था, इसमें क्या ड्राइव सेट बोल दिया था। तो अब पहले जो प्रश्न थे देखे होंगे कि क्लोजर एंड क्लोजर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, अब क्लियर किए थे पूरा एग्जाम्पल, इस समय कहीं कहीं जाके फिट कर सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं आप उसी के माध्यम से। आप कहता है कि द सेट ऑफ रियल नंबर क्या परफेक्ट सेट था, अब कुछ ऐसे सेट होंगे आपका उसको परफेक्ट बोल सकते हैं, सेट एक्स का एच लेकर बी तक, ये भी क्या है परफेक्ट, परफेक्ट सेट,
एक एग्जाम्पल लेके आप क्लियर करते हैं, कोई भी जो है एमपीटी इसका यूज है, कोई एमपीटी सेट क्या डेंस ई, कोई भी एमपीटी सेट क्या परफेक्ट हो सकता है, तो हाँ एमपीटी सेट इज परफेक्ट। अब यहां पर क्लियर हो गया आपका परफेक्ट सेट। आप चलते हैं इसके ऊपर, हम लोग लेते हैं कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट यह क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट इसमें क्या होता है कि बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो, दोनों तब क्या बोलेंगे? कॉम्पैक्ट सेट। दो कंडीशन में इसमें अप्लाई होगा, बाउंडेड भी होगा और क्लोज भी होगा। ये सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट का इफ इट इज बोथ, दोनों दोनों होना चाहिए, बाउंडेड एंड क्लोज, बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो। तो कुछ ऐसा सेट लीजिए, तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है कि फिनाइट सेट क्या है? बाउंडेड है, बाउंडेड प्रोडक्ट है। फिनाइट सेट क्या है? क्लोज है, पढ़ चुके थे। तो इसे तो क्या एवरी कोई भी फिनाइट सेट रखते हैं, एवरी फिनाइट सेट क्या कॉम्पैक्ट सेट है? तो हाँ एवरी फिनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में क्या होता है? रियल ही यहाँ पर रियल वर्ड से होता है, होता है तो होता है इसमें से एवरी फिनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट है, तो है कोई भी फिनाइट सेट लेंगे लेंगे तो कॉम्पैक्ट होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं इसको? रियल एनालिसिस, रियल नंबर। तो एवरी फिनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट। फिर कंडीशन है कि क्या एवरी क्लोज सेट होगा? तो हाँ एवरी क्लोज सेट क्या होता है? बाउंडेड भी होता है और क्लोज होता ही होता है। तो एवरी क्लोज एवरी क्लोज इंटरवल रहते ना, इंटरवल इज कॉम्पैक्ट। जो भी क्लोज इंटरवल है, मान लीजिए ए और बी है, ये भी क्या होगा? कॉम्पैक्ट कहलाएगा, बाउंडेड भी है और यह क्लोज भी है, दोनों है। इस तरह से हम लोग आज तीन डिफिनेशन क्लियर किए, जो पहले पर निर्भर कर रहा था और फिर से रिपीट कर रहा है कि रियल लाइसेंस का रियल नंबर के खातौर पर, रियल लाइसेंस तो बहुत है पढ़ना इसमें, लेकिन रियल नंबर का एक तरह से लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका। अब चलते हैं तो लास्ट में, तब आते हैं आपको डेंसिटी थ्योरम। जो भी हम रियल नंबर में थ्योरम करवाए हैं तो ऐसे थ्योरम करवाए हैं जो मतलब कि टोटल के टोटल यूनिवर्सिटी को कवर करता है, यानी जनरलाइज टॉपिक हम करवाते गए हैं जो जनरलाइज है। पार्टिकुलर को कुछ छोड़े हैं, तो पार्टिकुलर आपको केवल डिफिनेशन पर ही निर्भर करता है और डिफिनेशन से अपने आप लिख करके क्लियर कर सकते हैं अगर डिफिनेशन क्लियर है। तो देखिए डेंसिटी थ्योरम कहता क्या? कहता है कि दो गो डिफरेंट डिफरेंट मान लिया कि दो गो रेशनल नंबर लेते हैं और उसके बीच में क्या होगा? इनफिनाइट रेशनल नंबर आएगा। जैसे ले लीजिए आप थ्योरम के अनुसार कि देयर आर या प्रूव दैट एवरी टू डिफरेंट रेशनल नंबर है ना, हाई इनफिनाइट रेशनल नंबर, दो डिफरेंट रेशनल क्या देता है आपको? इनफिनाइट रेशनल नंबर देता है। डिफरेंट बिटवीन टू रेशनल नंबर है ना, क्या बनता है? इनफिनाइट रेशनल नंबर बनता है। तो देखिए देयर आर थ्योरम कुछ भी बोले लेकिन मीनिंग आपका सेम होना चाहिए। देयर
आर इनफिनाइट इनफिनाइट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जेड आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, अच्छा एनी टू डिफरेंट रेशनल नंबर, तो दो को लेंगे तो डिफरेंट ले लेंगे, तो डिफरेंट ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो डिफरेंट टू डिफरेंट रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होगा वही प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग को दो को ऐसा मान लेना पड़ेगा इरेशनल नंबर, उसी के बीच में साबित कर देंगे। इसे मान लेते हैं सपोज है लेट, मान लेते क्या कि की वन चाहे ए बी कुछ मान लिया की वन एंड की टू डी एन ए टू डिफरेंट रेशनल नंबर ऐसा माना है जिसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मानते हैं इस तरह से कि की वन जो है क्या लेस देन क्यू टू, दो रेशनल नंबर एक क्या है छोटा वो थोड़े से दो डिफरेंट डिफरेंट लेंगे सेम तो लेना नहीं है अलग लेना है, तो अलग लेंगे तो सपोज करते क्या फर्स्ट वाला छोटा किसे सेकंड वाला से, आप साबित कर दें कि यही दोनों के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर है। देख लीजिए मान लेते हैं कि लेट कोई एलिमेंट ले लेते हैं एस नंबर का क्यू ले लेते हैं क्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है ना, बी एनी एस नंबर बी एनी रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अगर गुना भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, देन फ्रॉम वन से कितना वन क्यू वन इंटू क्यू अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे है ना तो कोई फर्क आपका इसमें नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं क्यू वन का वैल्यू दिखाना पहले, तो क्यू वन कॉमन लेना है तो क्या करेंगे क्यू वन दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो क्यू वन प्लस क्यू वन क्यू ले देन क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू। याद रखिएगा ये थ्योरम जो है बहुत जूनियर क्लास में हम लोग को पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर भी आके थ्योरम को इक्वल कर रहे हैं और बहुत जगह यूज होता है, ऐसा कोई भी नंबर लेके भी कर सकते हैं। अब देखिए की वन कॉमन लेते हैं दोनों में तो क्या हुआ वन प्लस क्यू की वन प्लस क्यू टू क्यू। ध्यान रखिएगा की वन क्या लेकर क्यू था क्यू एक ऐसा रेशनल नंबर लिया जो पॉजिटिव है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम्पल में, और क्यू क्या आता दोनों तरफ एड कर दिए यहाँ क्यू कॉमन आ गया, अब क्यू का मान निकाल लीजिए इसे क्यू क्या हुआ लेस देन क्यू प्लस क्यू टू क्यू बटे वन प्लस क्यू निकल गया मेरा क्यू का मान, क्यू क्या हुआ लेस देन होगा इसे। अब याद रखना पड़ेगा कि क्यू टू क्या हुआ Q2 बड़ा होगा इससे तब साबित हो जाएगा दोनों के बीच में है। अगेन फिर लेते हैं फ्रॉम वन को कितना Q1 लेस देन Q2, अब Q2 कम लेगा लेना है तो दोनों तरफ जोड़ दीजिए Q1 प्लस Q2 Q इधर भी जोड़ देंगे Q2 प्लस Q2 Q इधर भी जोड़ देंगे दोनों तरफ जोड़ दिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यह की रेशनल नंबर था और ये रेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई करना क्या हुआ रेशनल नंबर है आपका। ऐसा क्यों किया क्योंकि हम लोग Q2 का मान निकालना है Q2 तरफ कॉमन लेंगे,
क्यू टू का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग क्यू टू क्यू जो है दोनों तरफ जोड़ दिए तो कितना आ गया क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू, ये था इसमें भी था। अब ले दें क्यू टू कॉमन ले कितना हुआ वन प्लस क्यू, तो क्यू टू का मान निकाल जाए कितना क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू बटे वन प्लस क्यू, यह क्या हो गया लेस देन क्यू टू, क्योंकि वन प्लस क्यू क्या है पॉजिटिव है, तो बताया गया था कोई पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड भी करें तो कोई दिक्कत नहीं आपका, इधर से पहले पढ़ चुके हैं आप लोग इस टर्म को। अब देखिए थ्री नंबर, अब टू में देखिए और थ्री में देखिए क्यू वन क्या है लेस देन है किससे क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू बटे वन प्लस क्यू, अब ये क्या है क्यू टू क्या है इससे बड़ा है यानी क्यू वन से बड़ा यह है और क्यू टू क्या है छोटा है, यानी दो ये क्या है दोनों के बीच में है क्यू वन से बड़ा यह और यह छोटा है इसे क्यू टू से मिला देंगे दोनों को फ्रॉम वन टू एंड थ्री से तो क्या प्राप्त होगा मिला क्यू वन से बड़ा है और क्यू टू से क्या है छोटा है। Q1 से बड़ा होगा Q1 प्लस Q2 Q बटे 1 प्लस Q और छोटा किससे होगा Q2 से। देखिए Q कहाँ बोला गया था ग्रेटर देन जीरो है ना, क्योंकि Q ग्रेटर देन जीरो इसीलिए फोर मेनी वैल्यू होगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, अब कितना वैल्यू होगा पता नहीं जीरो केवल बड़ा है तो फोर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ क्यू के लिए फोर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ क्यू के लिए क्या होगा क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू जो है क्या देगा मेरा यह वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं है कि बस ये बोला यह जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा है तो कितना नंबर पता नहीं तो क्या हुआ मेनी वैल्यू होगा बहुत सारा वैल्यू होगा जो क्या बोलते हैं फॉर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ क्यू के लिए वैल्यू क्यू का इनफिनाइट वैल्यू है तो पूरा क्या हुआ इनफिनाइट वैल्यू हो जाए इतना इज इनफिनाइट रेशनल नंबर। तो क्या साबित किया हम लोग कि Q1 और Q2 दो डिफरेंट डिफरेंट रेशनल नंबर था उसके बीच में क्या आ गया इनफिनाइट रेशनल नंबर आ गया। चलिए सकते हैं दस देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर या टू रेशनल नंबर कर दीजिए यह साबित किया कि देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये क्लियर हो गया थ्योरम या रियल नंबर का टॉपिक क्या कंप्लीट हुआ। रियल एनालिसिस का मेन टॉपिक जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल कंपटीशन के लिए भी हम लोग जैसे कंप्यूटर कभी होता है कि सेट थ्योरी तो सेट थ्योरी का ही एक पार्ट है आगे चल के जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल है ना तो रियल एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है भी और उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है हमेशा। तो हम कल जो नेक्स्ट क्लास लगे वो काउंटेबल अनकाउंटेबल के ऊपर रहेगा। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.